नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कछुए की अंगूठी किस हाथ में पहनना चाहिए, कछुए वाली अंगूठी के फायदे और धारण करने का सही तरीका जानें। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इन राशियों के लोग न पहनें कछुए की अंगूठी। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों के उंगली में कछुए के शेप की अंगूठी पहनते हुए देखा होगा। मान्यता है कि कछुए वाली अंगूठी पहनने से धन का मार्ग खुलता है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार कछुए को भगवान विष्णु के कच्छप अवतार माना जाता है, जिनके सहयोग से समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए कछुए की अंगूठी पहनने से कई लाभ मिलते हैं। लेकिन कई लोग बिना जानकारी के कछुए की अंगूठी धारण कर लेते हैं, जिससे वह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाती। इसलिए आज हम आपको कछुए की अंगूठी से जुड़े फायदे और धारण करने का सही तरीका बताएंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कई तरह सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं अंगूठी के फायदे के बारे में। इन लोगों के लिए बेहद मददगार है कछुए की अंगूठी। जिन लोगों के व्यवहार में उग्रता ज्यादा रहती है, उनके लिए कछुए वाली अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है। इस अंगूठी को धारण करने से व्यवहार संतुलित और शांत रहता है। ज्योतिष के अनुसार कछुआ जल में रहने वाला जीव है और इसका संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी जल से हुई है। साथ ही जल का गुण शीतलता है, इसलिए इसको धारण करने से उग्रता कम रहती है और शांत और सौम्य व्यवहार बनाने में मददगार होती है। कछुए की अंगूठी पहनने की विधि। कछुए की अंगूठी पहनने से पहले उसको कच्चे दूध में डुबा दें और फिर गंगाजल से साफ करके माता लक्ष्मी के सामने रख दें। इसके बाद माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और श्री महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद कछुए की अंगूठी धारण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस तरह पहनें कछुए की अंगूठी। कछुए की अंगूठी पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि कछुए का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से धन आपकी तरफ आकर्षित होता है। अगर आप बाहर की तरफ कछुए का मुख रखते हैं तो धन आने के बजाय चला जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि अंगूठी को सीधे हाथ की बीच वाली उंगली यानी मध्यमा उंगली या फिर अंगूठे के पास वाली यानी तर्जनी उंगली में धारण करें। इन्हीं दो उंगलियों में अंगूठी को धारण करने से लाभ प्राप्त होता है। इस तरह अंगूठी धारण करना रहेगा शुभ। चूंकि कछुए का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है कि इसलिए इस अंगूठी को शुक्रवार के दिन पहनना ही लाभदायक रहेगा। ज्यादातर लोग बिना जानकारी के अंगूठी धारण कर लेते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अंगूठी को चांदी में बनवाएं और कछुए की पीठ पर श्री गुदवाएं। श्री गुदवाते समय की मात्रा बाहर यानी आपकी उंगली की तरफ होनी चाहिए और श्री आपकी तरह होना चाहिए। अंगूठी पहनने के बाद न करें यह काम। कई लोगों में आदत होती है कि अंगूठी को धारण करने के बाद उसको घुमाते रहते हैं, जो कि सही नहीं है। अंगूठी को घुमाने से उसकी दिशा बदल जाती है, जिससे धन के मार्ग में रुकावट आ जाती है। इसलिए कछुए की अंगूठी को घुमाना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में उतार सकते हैं अंगूठी। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे नहाने के दौरान, काम के समय, आटा गूंथते हुए आदि ऐसे कार्य के दौरान अंगूठी को उतारकर पूजा घर में माता लक्ष्मी के पास रख दें। फिर माता लक्ष्मी के चरणों से अंगूठी को स्पर्श कराते हुए अंगूठी फिर धारण कर लें। ऐसा करने से अंगूठी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कछुए की अंगूठी पहनने के फायदे। कछुए को निरंतरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस अंगूठी को पहनना बहुत शुभ बताया गया है। इसके पहनने से जीवन के कई दोष समाप्त हो जाते हैं और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। जब आप अंगूठी को धारण करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
जिससे आपका भाग्य फिर से साथ देना शुरू कर देता है और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इन राशियों के लोग न पहने। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को कछुए की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए। इन राशियों के लिए यह अंगूठी शुभ फलदायी नहीं माना जाती है। इसकी वजह यह है कि यह तीनों राशि जल तत्व की राशि हैं। इसलिए इसे धारण करने से शीत प्रकृति बढ़ जाती है, जिसका सीधा विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य और मन पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।